जय हिंद दोस्तों, नॉलेज एटम में आपका स्वागत है। तो आज हम राम सिंह यादव बुक का मैथमेटिक्स का सेट 42 करने जा रहे हैं, और इससे पहले मैंने 41 सेट और कंप्लीट करवा रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए। तो चलिए आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। सेट नंबर 42, फर्स्ट क्वेश्चन। 200 और 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सकता है? तो 200 और 300 के मध्य होंगे 8 ऐसे अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रोमबच का क्षेत्र निकाले जिसके कर्ण 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हो। तो ठीक है, एक रोमबज ऐसा होता है, रोमबज ऐसा मान लो, कैसे भी मान लो इसको, ऐसे ये रोमबज हो गया। ठीक है, एक तो इसका हमें विकर्ण दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे में विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो हम 1/2 विकर्णों का गुणनफल कितना दे रखा है, 16 और 18 दे रखा है। ठीक है, तो ये 8 बार में कट जाएगा, तो 18 8 कितना होता है मेरा, 144, 144 वर्ग इसका आ जाएगा, इसका वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वह कितने मैदान तक चढ़ सकता है? ठीक है, यहाँ से कोई 28 सेंटीमीटर वाले का रस्सी बंधी है। ठीक है, वो तो इतना चढ़ता है। ठीक है, ये एरिया चढ़ेगा, तो हमें निकालना है क्षेत्रफल, निकालेंगे क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, रेडियस हमारा 28 दे रखा है। ठीक है, 7 चौके 28 और 22 चौके 88 इंटू में 28 करूँगा, तो मेरा इसका आंसर आता है 2464। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ग मीटर। क्वेश्चन, कितने समय में कौन सा धन अपने से 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष हो? तो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है x-1 × 100, और हमारा कितने जो परसेंट दिया होता है वो। ठीक है, तो हमारा ये एक्स होता है कितनी गुनी, कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी, 3-1 × 100, और कितना परसेंट दे रखा है, रेट दर दे रखा है 10%। ठीक है, तो 3 में से क्या 2 × 100 और नीचे में 10, ठीक है, तो हो जाएगा 200/10, इसको काट दो तो मेरा 20 वर्ष इसका आता है। ठीक है, 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फौज में 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हो गए। ठीक है, तो हमारे पास मान लो 100% सैनिक थे। ठीक है, 100% सैनिक थे, उसमें से क्या हो गए, 6% जख्मी हो गए, तो बचे कितने, 94% बचे। ठीक है, ये क्या हो गए, जख्मी हो गए, जख्मी हो गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 282 सैनिक अभी स्वस्थ है, मतलब कि 94% स्वस्थ है, और हमको इतनी दे रखी है 282। ठीक है, बताओ कि लड़ाई में कितने प्रतिशत जख्मी हुए। ठीक है, तो हमको मिल गई 94% की वैल्यू मिल गई 282, तो हमें 1% का निकाल लूंगा, 1% कितना आ गया, 3 आ गया, तो 6% कितना हो जाएगा, 3 × 6 बराबर में आ जाएगा 18। ठीक है, तो 6% कितनी होगी, 18, तो 18 सैनिक अभी जख्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं इन दो इसको वैल्यू को तोड़ूंगा 2 भागों में, तो m² + में इसको 9m कर दे रहा हूँ, mn, और प्लस में 2mn। ठीक है, 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया मैंने, काट तोड़ दिया, प्लस में 18n². ठीक है, आपका करूँगा इसमें से कॉमन ले लूंगा, तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया, और अंदर बचा 1m, प्लस में 9n बचा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2n ले लेता हूँ, फिर से यहाँ से अंदर m प्लस पे 9n। ठीक है, आपका करूँगा एक बाहर वाली वैल्यू लूंगा, एक बार अंदर वाली, तो अंदर वाली ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा, तो अंदर वाली क्या, बाहर वाली क्या हो जाएगी, m प्लस में 2n। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2, 6, 8, 24 का ज्यामितिक माध्य निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ज्यामितिक माध्य निकालना है। माध्य अलग होता है और ज्यामितिक माध्य अलग होता है। ठीक है, ज्यामितिक माध्य करने क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/6 बराबर में 8/24। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, और ये भी 48 हो जाएगा। ठीक है, अगर वैल्यू हमारी सेम आती है तो हमारा √48 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रूट लग जाता है उसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से बोल रहा हूँ, ज्यामितिक माध्य अलग होता है और माध्य अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग जानने का सूत्र होता है, सी इसका आंसर राइट आंसर है। ठीक है, एन एन प्लस में 1, 2n + 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin θ + cos θ का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है, तो हमें sin θ + cos θ का हमको मान पूछा, अधिकतम मान कितना होगा। ठीक है, तो sin θ की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 45 रख लेता हूँ, प्लस, और cos θ की जगह मैं क्या रख लेता हूँ, 45 की भी जगह रख लेता हूँ। ठीक है, और इनका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/√2 + 1/√2, दोनों का मान होता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लूंगा, एलसीएम आता है √2, और ऊपर क्या आ जाएगा, 2
और इसको इससे काटूंगा तो मेरा इसका आंसर आता है √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 है, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो राम की उम्र कितनी होगी? ठीक है, ये राम है मान लो और ये उसका फादर है, ठीक है, तो इनका हमें उम्र दे रखा है 1/3, मतलब मान लो फादर की अगर 3 वर्ष है तो राम की कितनी होगी, 1 साल होगी, ठीक है, और इनका उनका आयु का योग दे रखा है 60 वर्ष, ठीक है, ये रेशियो में दे रखा है तो इसको प्लस करूंगा 4 आता है, ठीक है, तो 60 को इससे मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 15 आता है। अब क्या 1 साल की मेरे को वैल्यू पता लगी, 1 वर्ष की मिलेगी 15 साल, ठीक है, तो राम कितनी हो जाएगी 15 और उसकी फादर कितनी हो जाएगी 45, ठीक है, हमको पूछी किसकी है, राम की उम्र क्या होगी, राम की 15 हो गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको गुणनखंड हमको सोल्व करना है, ठीक है, तो इसी को मैं दो वैल्यू में तोड़ूंगा इसको, तो 6x² -3x में 10x, तोड़ दिया दो भागों में, ठीक है, +5। अब अगर कॉमन ले लूंगा इसमें से, मैंने इसमें से 3x कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा 2x -1, और यहाँ से ले लेता हूँ -5 कॉमन, 2x -1, ठीक है, अब अगर मैं बाहर वाली वैल्यू एक बार अंदर वाली वैल्यू, देखो अंदर वाली वैल्यू लूंगा 2x माइनस में 1 और बाहर वाली क्या है 3x माइनस में 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, 8, 10, x, 7 का समांतर माध्य 8 है, तो x का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको प्लस कर लेंगे, वैल्यू क्या दे रखे 6 + 8 + 10 + x + 7, ठीक है, हमको दे रखा है वैल्यू कितने 5, बराबर में क्या दे रखा है हमको, इसका माध्य दे रखा है 8, ठीक है, अब अगर मैं इसको जोड़ लूंगा, जोड़ने पा रहा है 31x, 31 + x और 5 = 8/1, ठीक है, अब क्या करूँगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 31 + x ये हो जाएगा 40, तो हमारा एक्स कितना आ जाएगा 40 माइनस में 31, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमको ये भिन्न का बताना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो ऊपर सबसे छोटी होगी ना, जैसे कि बी आंसर इसका राइट है -5/7, जो ऊपर सबसे छोटी वैल्यू होगी वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, माइनस का 5 सबसे छोटी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको ए दे रखा है 5, 12, 20, 30 और बी दे रखा है 3, 5, 15, 8 और 20 रखा है, हमको ए इंटरसेप्ट बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ए इंटरसेप्ट बी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो इनमें कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा, जैसे कि इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है 20 आ रहा है, इसमें 20 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5 इंटरसेप्ट 5, 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर, क्योंकि ये दोनों कॉमन आ रहे हैं दोनों में। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 37वां क्वेश्चन नहीं करवाया क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल का था, 11th क्लास का क्वेश्चन है वो, और वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।